हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नेक्स्ट जो वीडियो है वो मेरी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश से रिलेटेड है। इंग्लिश शिक्षण के सिद्धांत जिनको हम कहते हैं कि इंग्लिश को पढ़ाने के, इंग्लिश को टीच करने के प्रिंसिपल्स, रूल्स क्या होने चाहिए कि किस तरह से एक टीचर जो है उसको टीचिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ में करके टीच करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, उसे ही हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। क्योंकि देखिए, इंग्लिश जो है हमारी मदर टंग नहीं है, हमारी मातृभाषा नहीं है, तो इसको सिखाने के लिए एक टीचर को बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है, कई सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शन के अंदर आता है कि एक टीचर को किस तरह के वर्ड्स का सेलेक्शन करना चाहिए इंग्लिश को पढ़ाने के लिए। तो इसके अंदर 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले एक फ्रिक्वेंसी, ऐसे वर्ड्स यूज़ में लेने चाहिए जिनकी फ्रिक्वेंसी जो ज़्यादा है, मतलब जो वर्ड्स बार बार हम यूज़ में लेते हैं। रेंज, वर्ड्स की रेंज ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। रेंज से यहाँ पे मतलब है कि पर्टिकुलर वर्ड जो है कौन कौन से फील्ड में काम आ रहा है, मतलब उस वर्ड की रेंज कहाँ तक है। अवेलेबिलिटी, देखिए अवेलेबिलिटी में हमारे पास दो बातें आती है। ये दो चीज़ें क्या है कि सबसे पहले जो हम पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ाने के लिए हमारे पास कन्वीनियंट है या नहीं, और दूसरी चीज़ जो भी वर्ड्स हम सिखा रहे हैं वो यूज़फुल है या नहीं। तो ये दो चीज़ें, कन्वीनियंट का मतलब यहाँ पे है जैसे हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो क्लासरूम में उससे रिलेटेड चीज़ें जैसे पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, टेबल है, चेयर है, तो ये सारे कन्वीनियंट हमारे पास अगर हैं तो उसे सिखाना बहुत ईजी हो जाता है। और दूसरी चीज़ यूज़फुल वर्ड्स जैसे कि हम डेली यूज़ में लेते हैं काम में, जो काम आ सके क्लासरूम में भी और बाहर भी और घर पे भी, जिसको उसको रिपीट किया जा सके, जैसे है जैसे बेड है, टेलीविज़न है, कप है, प्लेट है, ऐसे वर्ड्स जो कि ईजी गोइंग वो सीख सके, उनकी कैच कर सके। तो इसके अंदर अवेलेबिलिटी में एक तो कन्वीनियंट वर्ड का होना और वर्ड का यूज़फुल होना। थर्ड तो है उसका कवरेज, वर्ड की कवरेज कैपेसिटी क्या है, वर्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी कवरेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे मैंने एक वर्ड लिया फैमिली, बच्चे को आपने सिखाया फैमिली, तो अब फैमिली के अंदर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो पर्टिकुलर वर्ड से हमने उसको कवर कर लिया बाकी सारी चीज़ों को, तो उसकी कवरेज कैपेसिटी क्या है वो। टीचेबिलिटी ये है कि एक टीचर जो है वो किस तरह से, उसकी एबिलिटी कैसे है, वो किस तरह से सिखा सकता है, किस तरह से वर्ड को इजी करके पढ़ा सकता है, वो जहाँ पे उसकी टीचिंग एबिलिटी आती है, टीचिंग एबिलिटी जहाँ पे आए कि किस तरह से वर्ड्स को इजी बना सकता है। जैसे कि अगर बच्चों को सिखाना है हट, तो उसको हट को रटवा कर नहीं, हट की अगर ड्राइंग बनाकर बोर्ड पर बताई जाए तो वो ज़्यादा सही रखता है, तो इस तरह से टीचेबिलिटी। लर्नेबिलिटी का मतलब है कि टीचर को बच्चे की एज को ध्यान में रख के उसको पढ़ाना चाहिए, कि जो अगर लोअर क्लासेज हैं तो उनको इजी वर्ड सिखाने चाहिए और हायर क्लासेज हैं तो उनको थोड़े डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो सिखाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट की एज को ध्यान में रख के वर्ड्स को सिखाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, तो यह आपको 6 पॉइंट सेलेक्शन के याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत। देखिए वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, वो आपको लास्ट में जरूर, आप मेरा वीडियो जो है वो पूरा ज़रूर देखना। फिर है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब होता है मैटर को इजी बनाना। मैटर को इजी कैसे बना सकते हैं, देखिए इंग्लिश टीचिंग का एक एम होता है कि हम पूरा जो मैटर है एक स्मॉल पीरियड में नहीं पढ़ा सकते, उसको हमको डिवाइड करके पढ़ाना होता है। मतलब मैटर को अगर इजी बनाना है तो यहाँ तो उसका डिवाइडेशन कर दिया जाए या उसका ग्रुपिंग बना दिया जाए। तो यहाँ पे वही दो चीज़ें हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन में, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंसिंग, उसके ग्रुप बना दिए जाए या उसको सिक्वेंस में लगा दिया जाए। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग में क्या है, सबसे पहला पॉइंट है फोनेटिक ग्रुपिंग। फोनेटिक ग्रुपिंग में कौन से वर्ड्स आएंगे जिनका साउंड सेम होगा, तो साउंड सेम होगा तो साउंड अगर सिमिलर होगा तो बच्चा जो है वो चीज़ को
जल्दी कैच कर लेगा, जैसे फाइट, फाइट से माइट, वाइट, लाइट, तो इस तरह के वर्ड्स जिनके फोनेटिंग साउंड जो है वो, उसको हम एक ग्रुप बना के उनको सिखा सकते हैं। लेक्सिकल ग्रुपिंग, उसके अंदर क्या है, इसमें जो है वर्ड्स को सिचुएशन के बेस पे ग्रुप किया जाता है। अगर वर्ड को सिचुएशन के बेस पे ग्रुप किया जाए तो उसको लेक्सिकल ग्रुपिंग कहते हैं, जैसे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, सन, डॉटर, इस तरह को एक ही कॉन्टेक्स्ट में फैमिली के अंदर पढ़ाया जाए तो इसे हम कहते हैं लेक्सिकल ग्रुपिंग। फिर है थर्ड ग्रुपिंग जो है हमारी ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। देखिए ग्रामेटिकल ग्रुपिंग के अंदर क्या है, आपको पता ही है ग्रामर के जो सिंपल रूल्स होते हैं हमको फॉलो करने होते हैं स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। जैसे सबसे पहले हम क्या रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, वर्ब रखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो ये सिंपल हमको पता है स्ट्रक्चर इसका। फिर उसके बाद में उससे जो रिलेटेड होते हैं स्ट्रक्चर, उससे क्लोजली रिलेटेड, जैसे आई एम गोइंग सब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट आ रहा है, आई एम गोइंग वेयर, आई एम गोइंग टू मार्केट, फॉर व्हाट, तो इस तरह से आगे स्ट्रक्चर बना के ग्रामेटिकल ग्रुपिंग करके उसको पढ़ाना चाहिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके। फिर है सेमेंटिक ग्रुपिंग। सेमेंटिक ग्रुपिंग के अंदर मैटर का मीनिंग के बेस पे ग्रुप बनाया जाता है। मीनिंग के बेस पे किस तरह से, जैसे ब्यूटीफुल है, चार्मिंग है, जो कि जिसको हम एक ही हेडिंग के अंदर रख सकते हैं, जिसका मीनिंग जो है सेम निकलता है जिन वर्ड्स का, उन्हीं को हम कहते हैं सेमेंटिक ग्रुपिंग। तो ये सारे क्या थे कि मैटर को हम ग्रुपिंग के बेस पे किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, फोनेटिक ग्रुपिंग, लेक्सिकल ग्रुपिंग, ग्रामेटिक ग्रुपिंग एंड सेमेंटिक ग्रुपिंग। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग, इसी का ही है ग्रेडिशन का, कि मैटर को कैसे सीक्वेंस बना के भी उसको आप इजी कर सकते हो। सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, थ्री टाइप से बनाएंगे, ग्रामेटिकल सीक्वेंस, वही मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो है उसको इजी करके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो रिलेटेड स्ट्रक्चर आता है हमारा, उस तरह से सीक्वेंस बना के। लेक्सिकल ग्रुपिंग, रिलेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, हेयर देयर, इस तरह से उसका रिलेशन बना के वर्ड्स का लेक्सिकल सीक्वेंसिंग में। सेमेटिक, वही जिसमें के मीनिंग जो है वो सेम आते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम साथ में रख के, सीक्वेंस में रख के उसको बना सकते हैं। तो इस तरह से सीक्वेंसिंग में ग्रामेटिकल, लेक्सिकल एंड सेमेटिक सीक्वेंस। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट टीचर के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल होता है, प्रिंसिपल होता है, कि वो अपने लेसन को, जो भी वो पढ़ा रहा है उसको किस तरह से इफ़ेक्टिव बना सकता है। इफ़ेक्टिवली अगर वो पढ़ाएगा तो ऑब्वियसली बच्चे गेन भी ज़्यादा करेंगे और टीचर भी है एफिशिएंटली पढ़ा सकेगा। तो इसके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक तो प्रोनंसिएशन, लाउड रीडिंग, स्ट्रेस, पॉज, कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे एक्सप्रेशन देने, किस तरह के एक्सप्रेशन आने चाहिए पढ़ाते, तो ये सारी चीज़ें उसके, जिस तरह से टीचेबिलिटी मैंने आपको बताई थी, तो ये सारी प्रेजेंटेशन के अंदर आ जाएगी कि उसका प्रेजेंटेशन कैसा है। प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग, तो सबसे देखिए कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं जब तक उसका टेस्ट नहीं होता तो उसे नहीं पता चलता कि हमने कितना सीखा है, कितना गेन किया है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि टीचर को अपनी जो कमियाँ हैं उसका पता चलता है कि कहाँ पर डिफ़िकल्टीज आ रहे हैं और उनको किस तरह से दूर करना है। स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलता है टेस्ट के थ्रू, आगे मोटिवेट होते हैं, तो इस तरह से ये प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। देखिए कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे है उस टीचिंग मटेरियल से है जो किसी हद तक लर्नर की मास्टरी के करंट लेवल से ऊपर है। मतलब लर्नर जितना उस सब्जेक्ट के बारे में या जितना उस टॉपिक के बारे में जानता है उससे कुछ बढ़कर, ऐसे टीचिंग मटेरियल यूज़ में लेना जिसमें लर्नर को जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे उसकी मास्टरी आ सके, उसमें वो परफेक्ट हो सके, तो उन्हीं को हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट्स, जिससे कि मोर नॉलेज मिल सके उसको और उसका परफेक्शन आ सके। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, पर्पस के अंदर आता है कि